हेलो दोस्तों नमस्कार, ये है अलवर अनाज मंडी। और दोस्तों जैसा कि हमारे चैनल द्वारा आपको दी जाती है डेली अलवर अनाज मंडी भाव की जानकारी, दोस्तों लिए चलते हैं उसी क्रम में और जान लेते हैं आज के अलवर अनाज मंडी भाव। दोस्तों आज है 10/6/2024, वार है सोमवार। और दोस्तों क्या रहा आज का अलवर अनाज मंडी भाव। और दोस्तों जैसा कि आप हमारे चैनल को मेरी उम्मीद से भी ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब और प्यार देते हैं, उस लाइक और प्यार देने के लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और दोस्तों आगे भी आपसे उम्मीद करता हूं कि आप अपने भाई का इस तरह का हौसला बढ़ाते रहेंगे। दोस्तों चलते हैं आज सरसों के भाव की तरफ। तो दोस्तों सरसों के भाव में आज थोड़ी बहुत नरमी देखी गई। दोस्तों कारण बताया जा रहा है कि हरियाणा सरकार द्वारा अब सरसों का टेंडर जारी किए जाने की सूचना आ रही है। और दोस्तों सरसों को बाज़ार में जो सरकार ने समर्थन मूल्य द्वारा सरसों खरीद की जा रही थी वो अब बाज़ार में उतारी जाएगी, इस वजह से सरसों के भाव में नरमी का रुख रहेगा। तो थोड़ी बहुत किसानों को ये भी सलाह दी जाती है कि अपनी सरसों को थोड़ी बहुत मात्रा में निकालते भी रहें। हालांकि हरियाणा सरकार ने कितनी खरीद की है इसकी जानकारी अभी हमारे पास नहीं है। हालांकि अब देखते हैं आगे क्या रिपोर्ट निकलेगी, इसकी जानकारी आप लेते रहें। फिर भी थोड़ा थोड़ा सरसों अपना अगर रखा हुआ है तो उसे निकालते रहें। तो दोस्तों आज सरसों का भाव लगभग 58-550 रुपये प्रति क्विंटल करीब रहा, जो कि 42 कंडीशन का भाव है। इसके बाद दोस्तों चलते हैं गेहूं के भाव की तरफ। तो गेहूं के भाव में दोस्तों थोड़ी बहुत तेज़ी रही, लगभग 2450-60 रुपये प्रति क्विंटल करीब भाव रहा। जौ का भाव 2100-2150 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर स्थिर बना हुआ है। बाजरा भी 2100-2150 रुपये प्रति क्विंटल करीब स्थिर बना हुआ है। और चने का भाव लगभग 6600 से लेकर 6700 रुपये प्रति क्विंटल करीब रहा। तो दोस्तों ये रहे आज का अलवर अनाज मंडी भाव। धन्यवाद।